ये देखो मॉर्निंग का व्यू, सूरज उगने लग रहा है और अभी हम गांव से निकल लिए हैं और बाइक पे हैं आज अपनी पे। देखते हैं बाइक पहली बार इसके ठीक होने के बाद में इतनी लंबी राइड पे जा रहे हैं। रुके भाई यहाँ पे ढाबे पे, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है और यहाँ पे नोनू और चाय पीने लग रहे हैं। तो अभी हमारा खाना आ गया भाई, परांठे तो सुत्ता स्वादिष्ट है भाई, एक पीस खाया, एक टुक खाया अभी तक। क्या गूगल मैप देखा भाई सर? भाई जब 7 साल पहले यहाँ पे आए थे तब खाई थी मीठे वाली कचौड़ी, राजस्थान के अंदर मिलती है ज्यादातर ये, और वैसे लोग तो जगह पे नहीं मिलती अपने हरियाणा में, तो आज यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं क्या वैसा टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं सरी श्याम मंडल शिखर। ये ध्वज सेलेक्ट किया गया बाबा जी का हमने, येलो। पूरी मार्केट लगती भाई यहाँ पे तो, और प्रसाद और हमने ले लिया है झंडा और चल रहे हैं अभी आके, देख रहे हैं काम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो आज के व्लॉग में जा रहे हैं भाई हम खाटू श्याम, और मैं आज अपनी पूरी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ, नोनू और नोनू की मम्मी। और अभी सुबह से 7 बजे हैं और ये देखो मॉर्निंग का व्यू, सूरज उगने लग रहा है और अभी हम गांव से निकल लिए हैं और बाइक पे हैं आज अपनी पे। देखते हैं बाइक पहली बार इसके ठीक होने के बाद में इतनी लंबी राइड पे जा रहे हैं, तो देखते हैं ये साथ देती है नहीं देती है वहां तक। 270 किलोमीटर की अब की बार अपनी ये राइड रहने वाली है, 270 आना 270 मतलब टोटल 540 किलोमीटर की। तो अभी चलते हैं। कल रात को YouTube पे वीडियो वगैरह देख रहे थे भाई, तो वहाँ पे देखा कि खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन था कल और बहुत सारी वीडियो उनकी आई हुई थी YouTube के ऊपर। और पहले हम खाटू श्याम चुलकाना धाम पे तो जा चुके थे लेकिन खाटू श्याम शिखर पे नहीं गए थे, तो अचानक से रात को प्लान बन गया खाटू श्याम पे जाने का और सुबह हम जल्दी 7 बजे निकल लिए हैं और चाय पानी भी नहीं किया है, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो अभी रोहतक को अपनी सिटी को क्रॉस करने के बाद में देखेंगे कि चाय पानी वहाँ पर करेंगे। रुके भाई यहाँ पे ढाबे पे, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है और यहाँ पे नोनू और चाय पीने लग रहे हैं। चाय का ब्रेक लिया है मन्नत ढाबा। तो अभी चाय पानी पीने के बाद में यहाँ से होगी चलने की तैयारी, नोनू रेडी है, हम भी रेडी हो गए, अभी चलते हैं, मैप कर लिया है सेट। तो चाय पीने के बाद में भाई वहीं पे पास में था पेट्रोल पंप और हमने अपना टैंक भी करवा लिया है फुल, जिसमें 800 रुपये का तेल अपना डला है। अभी हमारे को आने जाने जाते टाइम कोई भी और तेल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी हमने भिवानी क्रॉस कर लिया है और ये देखो भिवानी क्रॉस करते ही ना आसपास में किक्कर वगैरह के पेड़ हमारे को ज़्यादा दिखाई देने लग गए हैं और ज़्यादा रेतीली मिट्टी दिखाई देने लग गई है। पहले यहाँ पे सरकार ने रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने के लिए यहाँ पे ये किक्कर वगैरह के पेड़ लगवाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ज़्यादातर किक्कर वगैरह के पेड़ सारी साइड में लगे हुए हैं। तो भाई सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम अभी होया है हमारा, वो बैठे हैं नोनू और खाने की वेट में, परौंठे और दही का ऑर्डर किया है। ये रेस्टोरेंट है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास में, यहाँ पर रुके हैं लोहारू के पास और अभी हमारे को 167 किलोमीटर चलना और बच गया है। ये देखो कहीं लोहारू के पास में है अभी हम, और अभी यहाँ से खाना मिलेगा 5-10 मिनट के बाद, 20-25 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं भाई आगे। बाकी यहाँ तक फुल एंजॉय चल रहा है भाई, फुल मस्ती चल रही है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, म्यूजिक सुनते हुए आराम आराम से चलने लग रहे हैं। सुबह के चले हुए 4 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे का रास्ता और दिखा रखा है क्योंकि हम 50-60 की जो आइडियल स्पीड है इन रोडों के हिसाब से, सड़क के हिसाब से, उसी के हिसाब से चल रहे हैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल फन करते हुए, कहीं कोई रुक रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फैमिली के साथ फुल मजा। तो अभी हमारा खाना आ गया भाई परांठे, कसुत्ता स्वादिष्ट है भाई, एक पीस खाया, एक टुक खाया अभी तक।
मजे आ गए बिल्कुल, खाते हैं अभी यहाँ से और फिर चलेंगे। तो अभी हमारा खाना आ गया भाई, परांठे कसुत्ता स्वादिष्ट है भाई, एक पीस खाया, एक टुक खाया अभी तक, मजे आ गए बिल्कुल, खाते हैं अभी यहाँ से और फिर चलेंगे। तो ब्रेकफास्ट करके भाई हमने अपनी राइड कर दी है कंटिन्यू, और अभी हम राजस्थान के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये राजस्थान के अंदर एंटर करते ही कोई पहला शहर आया है। जब भी हम राइड पे निकलते हैं भाई, उससे पहले हमारे को किसी दूसरी स्टेट के ज़्यादातर शहरों के नाम पता नहीं होते, आसपास में क्या क्या नाम से शहर हैं और थोड़ा अजीब से नाम लगते हैं, और देखते हैं वहाँ पे जाके कि यहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं और इतने अच्छे शहर हैं, इतनी अच्छी सड़कें हैं, तो जाके थोड़ा अलग सा फील होता है, अलग जगह का अलग ओरा होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखो थोड़ी पहाड़ी वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं सामने हमारे, और लेफ्ट राइट में थोड़ी पहाड़ी एरिया आ गया, हिली एरिया, और नोनू पूरा इंजॉय कर रहा है भाई कि उसने पहली बार किसी लाइव हिल वगैरह देखी हैं, थोड़ी पहाड़ी वगैरह देखी हैं, और पूरे रुके मारता चल रहा है, पापा वहाँ पे पहाड़ी, वहाँ पे पहाड़ी। तो देखते हैं कि आसपास में कहीं ऐसी चढ़ाने की जगह होगी कि वहाँ पे बाइक जा सके, तो पहाड़ी के ऊपर भी जाएंगे किसी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर से व्यू दिखाएंगे दोनों को थोड़ा। टूरिस्ट ऑपरेटर से भाई हमको रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी आप घूमने चाहें देखें ऐसे कचरा ना फैलाएं, रोड के चार रोड इतना कचरा फैला रखा है, प्लास्टिक कचरा जो कि अनडिस्पोजेबल भी है, और ये देखो कितना कचरा लगता है, कोई हमारे यहाँ से आया आसपास में और कहीं पर कचरा नहीं है, लेकिन रोड के साइड में इतना कचरा वगैरह फैला रखा है कि बहुत गंदा लगता है कोई बार से आए देखने के लिए। तो हमारे आसपास के कल्चर को, आसपास की जगह को ये देखो इतनी गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने यहाँ पे, तो रोड के साइड में ही फैला रखी है, जस्ट उनके सामने दिखे नोटिस हो, इधर उधर कहीं पर एक जगह बना ले, इससे अच्छा तो उनको कहीं पर आसपास में छोटे छोटे स्टेशन से बना दे कि वहाँ पर कचरा डालना है सभी को। तो ये चीज़ मेरे को गंदी लगी भाई, इसी वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप भी आगे से जाएँ कैसे कचरा वगैरह ना फैलाएँ, अपना साथ में एक जगह पर जाके डाल दें जहाँ पर डस्टबिन आपको दिखाई दे। और भाई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे अभी राजस्थान में भी मेरे को देखने को मिली अपनी अभी इस राइड के दौरान, कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती की जा रही है, पानी की बचत की जा रही है और खेती की भी अच्छी पैदाइश ली जा रही है। तो ये चीज़ मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा भाई, ये टेक्नोलॉजी जो हमारे को इजराइल ने शेयर की थी, और तब के बाद से इंडिया में इसको बहुत जल्दी ही लाइन में यानी कर दिया है, इसको बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को। चले जाते टाइम ये मंदिर दिखाई दिया भाई, इसके ऊपर जाके देखते हैं एक बार, चल बाइक लेके चलेंगे। तो पहुंच गए भाई पहाड़ी के ऊपर मंदिर में, चारों ओर देख छोटी छोटी पहाड़ी कितनी सुंदर लगे ना। नोनू पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा भाई यहाँ से। चढ़ जाए पहाड़ी पे, तू को था मैं पहाड़ी पे चढ़ूंगा, नाम ने तो डर लगा भाई, तो चढ़ जा ना, मैं को नहीं आता, मैंने तो लगा है। बाइक तो उतार ली भाई, जैसे तैसे मोड़ के नोनर उतरने लग रहे हैं अभी पहाड़ी पे से नीचे, घनी खड़ी चढ़ाई थी भाई, एक बार तो बाइक आगे से उठ रही थी, ऐसा लग रहा था कि पीछे न जा गिरे।
मैंने सच में भाई जब 7 साल पहले यहाँ पे आए थे तब खाई थी मीठे वाली कचौड़ी, राजस्थान के अंदर मिलती है ज्यादातर ये, और वैसे लोकल जगह पे नहीं मिलती अपने हरियाणा में। तो आज यहाँ पे आए हैं तो देखते हैं क्या वैसा टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो घर से सोच के चले थे भाई वो सारे अपने प्लान हो गए हैं कंप्लीट, कि हमने रेगिस्तान से का एरिया भी देख लिया है, पहाड़ी भी देख ली है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के भी देख लिया है। जो मिट्टी कचौड़ी सोच के खाने की सोच के आने के लिए आए थे वो भी हमने खा ली है, और सभी चीज़ अच्छे से इंजॉय कर ली है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं खाटू श्याम पे, अभी यहाँ से 5 से 10 किलोमीटर बचा हुआ है खाटू श्याम बाबा का दरबार, और वहाँ से आगे 14 किलोमीटर बचता है जो पैदल भी बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं और वैसे भी जाते हैं। तो हम तो भाई फैमिली के साथ हैं, अभी छोटा बच्चा है तो बाइक पे ही उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे पैदल भी उसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच गए हैं सरी श्याम दरबार सिकर के पास, और यहाँ से भी हम अपनी कावड़ वगैरह ले लेते हैं, जो झंडा होता है इसको कावड़ बोलते हैं खाटू श्याम बाबा जी का। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं सरी श्याम मंडल शिखर के प्रवेश द्वार पे, और ये भी झंडा लेने लग रहे हैं बाबा जी का, फिर चलते हैं यहाँ से। ये ध्वज सेलेक्ट किया गया बाबा जी का हमने, येलो कलर का। अभी इसके ऊपर मोर पंख लगाने लग रहे हैं। फिर चलेंगे आगे। तो अभी शिखर प्रवेश द्वार से अंदर हम एंटर हो गए हैं, और शाम होने वाली भाई, सूरज ढलने वाला है। सुबह चले थे 7 बजे और शाम को पहुंचे हैं बिल्कुल एंजॉय करते करते आराम से। और अभी यहाँ से 14 किलोमीटर अंदर जो हमारा श्याम दरबार का जो अंदर खाटू श्याम जी हैं वो बचते हैं, और यही वो है जो ज़्यादातर लोग पैदल इसको तय करते हैं 14 किलोमीटर की डिस्टेंस को, जो भी हम बाइक से करने लग रहे हैं। तो आप आसपास में भी देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू बना हुआ है, और ये हमारे सामने ये देखो ये लोग जो हैं ये पैदल अपने कवर करने लग रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, कि कोई पैदल की मांग करता है जब अपनी कोई इच्छा मांगता है। और हम तो वैसे दर्शन के लिए आए थे, अभी खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन था 1-2 दिन पहले, उनकी ज़्यादातर वीडियो देखी थी तो उस वजह से हम आए हैं यहाँ पे, आने का मन था। और पहले कई बार आ नहीं पाए थे तो सोचा अभी के बार अचानक से ही प्लान बना लेते हैं और चल ही पड़ते हैं बस घर से। और इस रोड पे आप देख सकते हो साइड में बहुत सारी धर्मशाला और आपको होटल वगैरह दिख जाएंगे रुकने की व्यवस्था के लिए, इन सभी के रेट वगैरह अलग अलग हैं। आप जाके पता करेंगे तो आपको 400-500 से स्टार्ट हो जाएगा रूम मिलना, और आपको 1500-2000 तक रूम अलग अलग मिल जाएगा। एक लगा दी भाई यहाँ पर पार्किंग में, 50 रुपये चार्ज है एंट्री गेट के ऊपर, और ये दोनों झंडा लेके खड़ा है एंट्री गेट पे। अभी चलते हैं हम भी एक बार देखते हैं। मोनू मम्मी ये पीछे पीछे रहना। अभी जो यहाँ से आगे की यात्रा है वो पैदल तय करनी पड़ती है, और नंगे पाँव से जूते वगैरह निकाल के रख दिए और नंगे पाँव चल दिए। साथ भी ले लिया है भाई, दोनों कित गया दोनों दिखे ना रहा। ये देखे एक पुराना घर सा है, पता नहीं महल है किस टाइप का। हाँ ऊपर पूरी मार्केट लगती है भाई यहाँ पे तो, और प्रसाद और हमने ले लिया है झंडा, और चल रहे हैं अभी आके देख रहे हैं कहाँ पे जाना है। और ये भी लगवा दिया फेस पे देखो,
पहली बार जब किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वो किसी मंदिर में जाते हैं भाई, तो ना ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता, तो पहली बार जब एक्सपीरियंस होता है तभी पता चलता है, नहीं तो यहाँ अंदर तक भी बाइक आने लग रही हैं। ये श्री श्याम कुंड का गेट है भाई, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या करना है। तो जब भी हम यहाँ पे आओ भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो एंट्री गेट से जो बाबा जी की कावड़ है, जो उनकी ध्वजा है, झंडा है, एक तो वो लेना होता है, उसके ऊपर नारियल बंधवा के और एक मयूर पंख लगवा के तो वो अंदर लेके आना होता है। और यहाँ से हमारे को प्रसाद लेना होता है, प्रसाद के साथ में हमारे को लेना पड़ता है यहाँ से एक तो जो होता है ये गुलाब का फूल, आप देख सकते हैं हमने गुलाब का फूल भी ले लिया है, और एक इत्र लेना पड़ता है, इत्र की यहाँ पे छोटी छोटी सी सी मिल जाती हैं। ये चीज़ें लेके यहाँ पे मंदिर में आके दर्शन करने के लिए जाएं। यहाँ पे मंदिर के पास में भी बहुत सारी धर्मशाला हैं, अगर आप होल में रुकोगे वैसे जा रहे हो अकेले घूमने के लिए तो बिल्कुल फ्री है, और अगर आप रूम वगैरह लेते हो तो 500 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाता है, और 1000-2000 रुपये तक आपको धर्मशाला वगैरह में भी रॉयल अच्छे वाले रूम मिल जाएंगे। पीछे बोलो पीछे। तो अभी हम बिल्कुल दर्शन के पास में आ गए हैं, दर्शन यहीं पे होंगे, और यहाँ पे हमारे को अपनी कावड़ डाल देनी है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डाली हुई है। तो चल रहे हैं भाई अभी लाइन में, नंबर आने वाला है। हमारा भी नंबर आने वाला है दर्शन का भाई, चल रहे हैं अभी लाइन में। तो लग रहा है भाई हमारे को दर्शन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, क्योंकि लाइन जल्दी जल्दी चलने लग रही है और ज्यादा लाइन भी नहीं है, आप देखो कि 2-3 लाइन ही चल रही हैं, और जल्दी जल्दी नंबर आ जाएगा, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे बिल्कुल आराम से। तो भी दर्शन हो गए हैं भाई, और अभी चलते हैं रुकने के लिए, देखते हैं क्या कुछ बंदोबस्त होगा, अभी वैसे तो नाइट होगी ज्यादा।